इसलिए हमें भारत देश को बचाना होगा, देश के युवाओं को बिखरने से बचाना होगा, बच्चियों को लूटने से बचाना होगा, माता पिता को उनकी। हरे कृष्ण। आज मैं आपको कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताने वाला हूँ मेरे भाइयों, इनको सुनने के बाद आपका दिमाग खुलने वाला है सच में। और ये सारे के सारे फैक्ट हमारे देश भारत की सभी युवाओं को और जिम्मेदार नागरिकों को, हर एक इंसान को सुनना चाहिए दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए मेरे भाइयों इन फैक्ट को आपको बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे भाई। किसी ने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए आपको सबसे पहले। किसी ने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों कि यदि आप किसी देश या सभ्यता को बिना युद्ध किए जड़ से उखाड़ना चाहते हो तो वहाँ की युवा पीढ़ी को अश्लीलता और व्यभिचार में डुबो दो, क्योंकि चरित्र से गिरी कोई भी सभ्यता ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। और ये बहुत बड़ा सच है मेरे भाई, ये चीज़ हो चुका है और ये फैक्ट सारे के सारे यही बताते हैं दोस्तों। कैसे, इनको पूरा जरूर सुने। नंबर वन, भारत का स्थान अश्लील फिल्में देखने के मामले में टॉप 3 में आता है दोस्तों। और कुछ कुछ आंकड़ों के हिसाब से बोला जाता है कि भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर है इस टाइप के कंटेंट का दोस्तों, तो ये एक बहुत गलत चीज़ हो रही है। दूसरा फैक्ट कहता है लगभग 80% या उससे कहीं अधिक युवा भारत में पॉपकॉर्न फिल्में देखते हैं। अब इनमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की है दोस्तों, लगभग 80% लोग बोले जा रहे हैं कि दोस्तों इस तरह की फिल्में हर रोज ये देखी जा रही हैं, हर रोज देखी जा रही हैं। कितना गलत चीज़ फैल रही है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 3, कहीं ना कहीं रेपिस्ट ये मानते हैं कि ब्रूटल और क्रूर व्यभिचार के लिए उन्हें पॉपकॉर्न ने उकसाया है दोस्तों। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भैया हस्तक्रिया करने से तो जो वासना है वो शांत हो जाती है और हम किसी के साथ, किसी लड़की के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे इसकी वजह से। लेकिन असल में ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों, असल में सोच को बदलना बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। जो ब्रह्मचारी की सोच है उस तरह की सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचारी हर स्त्री को सबसे पहले तो देखता ही नहीं है, और देखता है तो गलत निगाहों से नहीं देखता है दोस्तों, सम्मान की नज़र से देखते हैं दोस्तों। और केवल इस सोच को बदलने से ही ये चीज़ सही हो सकता है दोस्तों, सच में। चौथा फैक्ट कहता है लगभग 11 साल के बच्चे भारत में अश्लील फिल्मों को देखने लगते हैं दोस्तों। और जब से ये मोबाइल हाथ में आया, बच्चों के स्कूल वालों ने जब से बच्चों को मोबाइल देना स्टार्ट किया है मेरे भाइयों, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जब से, तब से इस तरह की चीज़ें सच में फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बच्चे लोग देख रहे हैं दोस्तों। और असल में देखना भी गलत नहीं है दोस्तों, सबसे पहले तो देख लिया, लेकिन समझने वाली बात है कि दोस्तों अब जितना देख लिया है देख लिया है, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, जो भी लोग गलत कंटेंट देख रहे हैं दोस्तों, उनको समझने की बात है बस कि दोस्तों अब से केवल ब्रह्मचर्य और अच्छे कार्य करने हैं दोस्तों लाइफ में। आप भी चाहते होंगे लाइफ में कुछ अच्छा करना दोस्तों, तो ये केवल ब्रह्मचर्य से संभव है मेरे भाइयों, वरना सच में बहुत गलत कर देंगे आप खुद के साथ। क्योंकि ये शरीर है केवल, और ये वीर्य लिमिटेड है, ये हमेशा नहीं बनने वाला है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना हमेशा। नंबर 6, भारत में यूथ इन कारणों से हस्तक्रिया के दलदल में फंस रहे हैं, जिनसे देश की हानि हो रही है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अगर वीर का नाश करने में लगे रहेंगे तो जहां युवाओं का विकास, शरीर का विकास दोस्तों बहुत पावरफुल बन सकता था दोस्तों ब्रह्मचर्य से, वहीं अपने पावरफुल वीर को निकाल के दोस्तों बच्चे खत्म हो रहे हैं दोस्तों, शरीर से, दिमाग से, हर तरह से दोस्तों। इसलिए आपको लोगों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, केवल खुद सुधारने की आवश्यकता है बस। नंबर 7 बोलता है युवाओं की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दुर्गति हो रही है दोस्तों। मींस युवा मानसिक रूप से खत्म हो रहे हैं, शारीरिक रूप से खत्म हो रहे हैं दोस्तों, कमजोर बन रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी दोस्तों। इसलिए जितने जल्दी हो सके दोस्तों इन क्रियाओं को भी छोड़ो और इन गलत कंटेंट को भी देखना बंद करो मेरे भाई। नंबर 8, यूथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल डिसऑर्डर से आत्महत्या की तरफ प्रेरित होते हैं दोस्तों। इंसान को लगता है भैया मैं तो हस्तक्रिया कर रहा हूँ, वीर का नाश कर रहा हूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा मेरी बॉडी में। लेकिन असल में दोस्तों इससे इंसान डिप्रेस्ड महसूस करता है, गिल्ट में डिप्रेशन आता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी दोस्तों, लोगों से बात करने में डर लगना, हिचकिचाना बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे भाइयों, और मेंटली कमज़ोर बनना दोस्तों। और एक किताब में लिखा है दोस्तों कि पागलखाने में लगभग 80% से ज़्यादा लोग इस गलत क्रिया और व्यभिचार की वजह से दोस्तों पागल हुए होते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है। इसलिए जब कोई हस्तक्रिया करता है दोस्तों तो वो पूरी दुनिया को भूल जाता है, सब कुछ खराब कर देता है दोस्तों, बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार करते हैं दोस्तों। और इसलिए
उनका दिमाग भी पागल बनने लगता है दोस्तों, गलत वीडियो देखने के लिए और गलत फोटोज देखने के लिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच। नंबर 10वां कहता है, वैवाहिक जीवन में कई तरह की गुप्त समस्याएं युवाओं को झेलनी पड़ती हैं दोस्तों, जो ये गलत क्रियाएं करते हैं और जो लोग गलत वीडियो देखते हैं दोस्तों, इसलिए इस तरह के कंटेंट और इस तरह की क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों युवाओं को, सभी युवाओं को। और इन समस्याओं की वजह से क्या होता है दोस्तों, तलाक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब इन्हीं कारणों से होता है मेरे भाई। इसलिए ब्रह्मचर्य का जीवन जियो दोस्तों, लगभग 25 तक बताई गई है इसकी ब्रह्मचर्य की एज, उसके बाद चाहो तो शादी करो, और लेकिन शादी के बाद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं करना है। और एक और चीज़ बताई गई है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य शादी के बाद करना है तो एक स्त्री वाला पुरुष और महिला को एक पुरुष वाली स्त्री बनना पड़ता है दोस्तों, वह है असली ब्रह्मचर्य शादी के बाद। और यह तभी संभव है जब इंसान दिल से ब्रह्मचर्य करे अपनी युवावस्था में। हमारा जो भारत हुआ करता था पहले, जो कि तलाक तो बहुत दूर की बात, बल्कि एक स्त्री के साथ जन्मों जन्मों तक रहा करते थे पुरुष और महिलाएं, लेकिन जैसे विदेशों में होता है दोस्तों, एक आदमी औरत वो केवल औरतें चेंज करते रहते हैं दोस्तों, औरतें चेंज करते रहते हैं दोस्तों, उनको एक से पेट ही नहीं भरता उनका सच। तो ऐसी स्थिति भारत में ना हो, उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी दोस्तों, ब्रह्मचर्य। नंबर 11 फैक्ट कहता है, अश्लील कंटेंट को देखने की वजह से दोस्तों छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है दोस्तों, गलत गलत हो जाता है दोस्तों, और इसका बहुत बड़ा कारण छोटी छोटी बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं दोस्तों, और ये किसी भी देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई। इसलिए ब्रह्मचारी अपने कंट्रोल में रहता है दोस्तों, वो व्यभिचार तो बहुत दूर की बात दोस्तों, किसी स्त्री को गलत नज़र से देखते तक नहीं है मेरे भाई, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप खुद सोच के देखना मेरे भाइयों इस बात को। नंबर 12 कहता है, भूलकर भी पॉपकॉर्न का समर्थन मत करना, क्योंकि यह महिला को सिर्फ वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करता है। उन फिल्मों में दिखाया जाता है कि महिलाएं केवल एक वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसके साथ केवल और केवल आप ऐसी ही चीज़ें कर सकते हो दोस्तों, लेकिन असल में ये सच नहीं है। और जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों, वो सीधा सीधा महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य करेगा दोस्तों महिलाओं का सम्मान करना सीख जाता है दोस्तों, लेकिन जो गलत कंटेंट दिखेगा वो महिला का सम्मान नहीं कर पाते हैं अपने दिमाग में, वो ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में गलत विचार आते रहते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है। तो बस इतनी सी बात है मेरे भाइयों, भारत का युवा अगर बदलता है तो विश्व की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ऊर्जापुंज युवा भारत में ही है मेरे भाइयों। यह हम सभी का सौभाग्य है, लेकिन अब हमें उन्हें बचाना है, यह हम सभी का कर्तव्य है मेरे भाई, लेकिन इन गलत चीज़ों ने युवाओं को थोड़ा बहुत बर्बाद कर दिया है दोस्तों, तो हमें इनको बचाना पड़ेगा दोस्तों साथ मिलकर। इसलिए हमें केवल खुद को सुधारना है, दुनिया ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी मेरे भाई, हमारा देश खुद ब खुद सुधरेगा दोस्तों, लेकिन खुद को सुधारना बड़ी बात है मेरे भाई। इसलिए हमें भारत देश को बचाना होगा, देश के युवाओं को बिखरने से बचाना होगा, बच्चियों को लूटने से बचाना होगा, माता पिता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा, गुरुजनों को उनका दायित्व बोध कराना होगा दोस्तों, और यह हम सभी को एकजुट होकर करना है दोस्तों। तो दोस्तों बस बात इतनी सी है, हमारे भारत को पवित्र और महान बनाने के लिए युवाओं को ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना होगा, और अपनी लाइफ में जम के काम करके, ब्रह्मचर्य आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको सक्सेस दिलवाने में और दिमाग को बॉडी को फिजिकली अच्छा बनाने में दोस्तों, ब्रह्मचर्य आपकी मदद करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। तो ये था आज का छोटा सा मैसेज मेरे भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दिखा सकते हैं मेरे भाइयों। हरे कृष्ण।